हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में डैंड्रफ दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या आप भी गहरे रंग के कपड़े पहनने से परहेज करते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम डैंड्रफ की प्रॉब्लम के चलते गहरे या काले रंग के कपड़े पहनना छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, डैंड्रफ के चलते बालों को भी बहुत नुकसान होता है। इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर रूसी की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये सामान्य समस्या भी गंभीर हो सकती है। यूं तो बाजार में बहुत से एंटी डैंड्रफ शैम्पू मौजूद हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से बालों के रूखे होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप घरेलू उपाय अपनाएं ताकि बाल कम से कम डैमेज हो। ये हैं वो कमाल के घरेलू उपाय जिन्हें एक बार आजमाने के बाद आपको नहीं सताएगी रूसी की समस्या। नंबर एक, नींबू का रस। रूसी की समस्या को दूर करने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, वरना आपके बाल रूखे हो सकते हैं। सरसों के तेल में या फिर कोकोनट ऑयल में एक नींबू को अच्छी तरह निचोड़ लें। इस तेल से स्कैल्प में हल्की मसाज करें और कुछ देर के लिए इसे यूं ही छोड़ दें। इसके बाद बालों को अच्छी तरह धो लें। सप्ताह में दो बार ये उपाय करके देखिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। नंबर दो, टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं। ऐसे में रूसी की समस्या दूर करने का ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। अपने शैम्पू में इसकी कुछ बूंदें मिलाकर सिर धो लें। 4 से 5 बार के इस्तेमाल से ही रूसी की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर तीन, दही। रूसी की समस्या में दही का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। ये रूसी की समस्या को दूर करने के साथ ही बालों को पोषित करने का भी काम करता है। 1 कप दही में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें। इस पैक को स्क्लेप में लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको फर्क नज़र आने लगेगा। नंबर चार, नीम और तुलसी का पानी। नीम और तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब बर्तन का पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें और ठंडा होने के लिए रख दें। इस पानी से बालों को धोएं। कुछ बार के इस्तेमाल से ही रूसी की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर पाँच, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी पाउडर ले लें। इसमें एप्पल साइडर विनेगर मिला लें। बाद में इसे शैम्पू की तरह इस्तेमाल करें। सप्ताह में 2 बार ये उपाय करना फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।